शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 की ये स्टोरी आपको हैरान कर देगी। शार्क टैंक सीजन 2 एपिसोड 3 में स्टेज कंपनी के 3 को-फाउंडर्स आते हैं एंड इनकी स्टोरी ये है कि स्टेज की शुरुआत करने से पहले ये विटी फीट के फाउंडर्स थे जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी रह चुकी थी। ये कंपनी फेसबुक पर वायरल कॉन्टेंट बनाती थी। इनके पास 12 करोड़ मंथली व्यूअर्स थे एंड इनका 40 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू था। बट नवंबर 2018 में एक दिन अचानक फेसबुक इन्हें डी प्लेटफॉर्म कर देता है। इसका रीजन बताया जाता है कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैंडल। इस इंसिडेंट के बाद इनका रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो जाता है बट स्टिल अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज देते रहते हैं जब तक कि इनकी सेविंग्स बिल्कुल जीरो नहीं हो जाती। देन ये अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें 90 लोग प्रेजेंट होते हैं एंड उन्हें कहते हैं कि ये उनकी सैलरी का उन्हें 25% देंगे एंड बाकी की सैलरी डबल करके इक्विटी के फॉर्म में देंगे। बदले में ये उन एम्प्लॉयज से 6 महीने का टाइम एंड सपोर्ट मांगते हैं। टू देयर सरप्राइज 90 में से 54 लोग इनका सपोर्ट करते हैं एंड ये मिलकर एक नए आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं। फाइनली नवंबर 1 2019 को ये स्टेज की शुरुआत करते हैं जिसे शार्क से 3 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलती है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 250 करोड़ रुपीज।